हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि आज हमारा गोवा का है लास्ट दिन। आज हम ब्रेकफास्ट यहाँ पे करेंगे, ठीक है भाई? गाइस, जब हम घर पे होते हैं तो पराठे होते हैं और कुछ खाते हैं, हम एग वेग खा लेते हैं। और जब हम होटल में आते हैं ना, फ्रूट होता है, जूस होता है, डाइट वाला खाना दिखाते हैं हम, तो कमाल है। तो पायल का दिल नहीं लगा, पायल ने पराठे मंगवा लिए हैं। तो हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है। किसके धीरज, किसके हैं पराठे? पायल जी। तो पायल ने फुल पराठे निपटाए सुबह सुबह, तो यहाँ पे वो ले रही है घर वाले मजे। हाँ, बट मैंने पराठा इतना टेस्टी लगा, घर जैसा। तो आज अभी तैयार होते हैं, निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो पैकिंग तकरीबन हो गई है, पायल अभी अपना मेकअप शेकअप कर रही है, उसके बाद निकलते हैं। तो हम भी हो गए हैं रेडी। तो गोवा का जो ट्रिप था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, और अभी हमें यहाँ 3-4 दिन और रुकना था। पर चीकू की थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब है, गोलू की भी तबीयत ख़राब है, जो हमने अभी विला बुक किया था 3 दिन के लिए यहीं पे, सब कुछ बुक हो गया था। तो अभी जाते हुए मिल लेते हैं उनसे भी। जो हमें यहाँ स्विमिंग पूल में नहाना था, वो हमारा ड्रीम रह गया है। वो इसलिए रह गया है कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो थोड़ा सा हमें एम्बेरस फील होता है। ये देखो, सामान इतना ज़्यादा ले लिया इन लोगों ने, और इनसे बैग नहीं बंद हो रहा। कमाल कर दिया भाई, कमाल है। बैग परेशान हो गया, ये टैग हटा दे, फिर ना मिस हो जाएंगे वो टैग। सुनो, एक काम करो, तुम आ जाओ, मैं इतना बिल क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तेरा दूसरे रूम में से भी देख लो सामान कुछ रह गया तो। तो इसके अंदर ना बहुत ही छोटी छोटी फिश हैं, आप देख सकते हैं। और जो इनकी लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पता तेरे को? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, मैंने तो गैस किया है। छोटी है ना, ये बहुत मज़ेदार सी फिश है, बहुत छोटी फिश है। हाँ, ये मिलती कहाँ पे ये पूछो पहले, हम भी ले चलेंगे। हम फ्लाइट में लेके जा पाएंगे? नहीं ले जा सकते। अभी हमारी गाड़ी आ रही है और पायल जी यहाँ पे बैठ गया वेट करने के लिए। जो हमारा लगेज है वो वहाँ रखा है, गाड़ी वहाँ से आएगी, तो अभी वेट कर रहे हैं हम। आपको पता है ना, कल मेरे को चोट लगी थी पैर में। हाँ, दर्द हो रहा है। तो फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और हमारी टैक्सी आ गई है। क्या रह गया बच्चे, चलो शाबाश। ये रही है सामने खड़ी, यही तो है। यही तो है कि गाड़ी अभी। तो ये किसकी है? ये नहीं हमारी, हमारी और कोई है क्या? हमारी बड़ी। अच्छा, ये वाली हमारी है क्या? हाँ, मैं तो इसमें बैठ जाता बेटा, नैनो आ जाती ना उसमें बैठ जाता मैं। अच्छा, पायल ने ना नैनो से गाड़ी चलानी सीखी थी। तो हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, पर उससे पहले हम रास्ते में थोड़ा सा मजाक मस्ती फन भी करने वाले। और ये यहाँ का समुंदर का एक छोटा सा हिस्सा है जो यहाँ से होके जाता है। हम होटल से निकल चुके हैं 11 बजे, हमारी जो फ्लाइट है वो है नियर अबाउट 5:30 बजे के आसपास। तो अभी हम चर्च देखेंगे यहाँ का, और फुल मजा करने वाली है पायल। जो यहाँ का फेमस चर्च है, जो बहुत सारे गाने और मूवीज में आता है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या था ना, कि विला बुक किया था हमने, सब कुछ हो गया था, सब कुछ दे दिया था, पर दिल ही नहीं लग रहा, क्योंकि ना बच्चे बीमार है, चीकू को जुकाम है, तो दिल नहीं लग रहा। काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं कि आपके घर वाले बीमार, आप घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, जब हम आए थे सब ठीक था, अब बीमार है। लेकिन काफ़ी कमेंट ये भी आ रहे हैं कि कुछ लोग जो हमारे जरिए गोवा घूम रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी गोवा है। बिल्कुल। तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी होती जा रही है, और ऐसे ही प्यार देते रहें, और सब्सक्राइब कर दिया करो। कुछ लोग आप वीडियोस देखते हैं, आप नोटिस नहीं करते, बस सब्सक्राइब कर दो आप, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तभी आ जाए जैसे हम अपना कोई ब्लॉग डालें, वीडियो डालें, आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप देख पाए। गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ गोवा का सबसे फेमस चर्च। तो ये गोवा का सबसे फेमस चर्च है, जहाँ पे काफ़ी मूवी भी बन चुकी है, गाने भी बन चुके हैं। तो पायल, चलो ऊपर, चलो बच्चे, शाबाश, ध्यान से चलिएगा, ध्यान से। तो हमने मास्क नहीं लगाया हुआ यहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये सुंदर चर्च है और बहुत पुराना भी है, कितने साल पुराना वो नहीं बता, आप कमेंट में ज़रूर बताना।
गाइस बहुत सुकून मिलता है, आप कहीं भी चले जाओ, आप दरगाह चले जाओ, आप चर्च चले जाओ, मंदिर चले जाओ, तो सबका मालिक एक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो गाइस बहुत अच्छा लगा चर्च पे आके यहाँ पे, और जो यहाँ का सुकून वाला वातावरण वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे कपल हैं यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग जो हमें वहाँ से करने वाले हैं, कुछ वहाँ से करने वाले हैं, गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी है, तो निकलते हैं। चलिए मैडम, ध्यान से चलियो, गिर मत जाइयो। अरे चिंता तो होती है भैया अगरवालों, बात चप्पल की नहीं है ना, बात ये है फिसलन है, पुराने हैं ये बहुत ज़्यादा, टायल को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्या लूँ क्या नहीं लूँ, पसंद नहीं आ रहा क्या। आगे चला के भी है बहुत सारी दुकानें जो टायल अपने बालों में कुछ बनवा रही हैं। गोवा में काफ़ी लड़कियां मैंने देखी है जो बना के घूमती हैं, तो हमारी जो आंटी है ये बनाएंगी अभी, तो आप रेडी हो जाओ। देख रहे हो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, तो काफ़ी लोग गोवा सिर्फ चर्च को देखने के लिए भी आते हैं, और ये खूबसूरत नज़ारा मैं बोलता हूँ आप भी ज़रूर देखें आके। और पायल का भी हेयर स्टाइल आंटी जी कुछ करने वाली हैं, देखो कितना टाइम में करती हैं। पायल चीकू के लिए ये ले रही है, अच्छा है ना? हाँ ले ले, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। और भी देख ले, ये भी ले सकती है पायल, ये एंटिक पीस भी ले सकती है, अच्छे लग रहे हैं मुझे। हाँ गोवा की बोट भी ज़रूरी है ना लेने, हैं कोई भी ले ले, ब्लैक ले ले, वो ले ले, कुछ भी, मुझे तो ब्लैक अच्छी लग रही है वैसे, ब्लैक ले ले। हाँ चीकू ना पायल से ये मांग रहा था, पायल ये लेके जा रही है, एक दो ना, दो तीन ले ले, हैं मैंने अपने ड्रेस में डाला, वो पानी में गिर गया कहीं। पायल ना गोलू के लिए ना शंख वाली है जो छोटी सिप्पी बोलते हैं इनको, सिप्पी वाले ले ले, अच्छे लग रहे हैं। हाँ ले ले, और क्या तो क्या ये इन्होंने छोटी सी तस्वीर में गोवा की पूरी वो दे दी चर्च। हाँ सही, अच्छा लग रहा है। हमारी आंटी जी पायल के बालों में डिजाइन कर रही है जबरदस्त वाला, और यही डिजाइन जैसे आंटी जी कर रही है, पायल तू भी कर सकती है, मैं वीडियो बना रहा हूँ देख लियो। तो गाइस जो पायल की फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है गोवा में, तो बहुत बचते बचाते इसको घुमाना फिरना पड़ रहा है मुझे। एक डिजाइन तो बन गया पायल के बालों में, एक और बनवा रही है, दो बनवाइए, ठीक है। तो पायल यहाँ बीचो बीच डिजाइन बनवा रही है बालों में, और जो आसपास की लोकेशन है वो कुछ इस तरह से है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है गोवा में। तो भैया हम अब निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, उससे पहले रास्ते में देखते हैं कुछ खाने पीने का करेंगे, और कुछ शॉपिंग भी करेंगे कपड़ों की, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ के कपड़े वपड़े हमें पसंद आएंगे। पायल का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो गया, तो अभी निकलते हैं हम एयरपोर्ट के लिए। तो चलिए बच्चे, तो पायल जी चलो, तो पायल को कुछ भी पसंद नहीं आया यहाँ से, तो अभी हम निकल रहे हैं, रास्ते में देखते कुछ खाते पीते। नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही है बच्चे, चलो शाबाश। इस लड़की को देखो, यहाँ पे हमारी टैक्सी एक घंटे में पहुँचने वाली है, और ये पूरा मोबाइल डाटा ख़त्म कर देती है रोज़ मूवी देख देख के, और लास्ट में कहती है मेरा फ़ोन तो चार्ज ही नहीं है। तो टिप टिप बारिश हो गई है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है बंगला पानी के पास है, और वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जो यहाँ के बंगला है या फिर घर है उनके जो कलर है ना वो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे, तो पायल यहाँ चलते चल। अरे मेरे साथ भी यही हाल हो रहा, चल। यहाँ आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा खाने के लिए मुझे, ध्यान से रोड पार कर, रुक जा मैं आ रहा हूँ, रुक जा। ये है गोवा एयरपोर्ट आ गया है, बस यहाँ से अब अंदर चलते हैं, पहले कुछ खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। तो लगेज हम ले लेते हैं अपना और अंदर की तरफ चलते हैं। चलो बेटा शाबाश, चलो चलो मैं आ रहा हूँ, चलो सामान ले लूँ ना मैं भी, चलो। तो हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर पहचान जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, मैंने तो कैप वैप भी डाली हुई है और मास्क भी पहना हुआ है, फिर भी पहचान जाते हैं। तो गाइस बहुत ही बेहतरीन सीनरी देख रहा हूँ मैं, और इसमें गांधी जी भी हैं, और बहुत ही दिग्गज नेता जो रह चुके हैं हमारे इंडिया के, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरा एयरपोर्ट खचाखच भरा हुआ है, पर ये जो है वो सबसे अलग है। तो बोर्डिंग हो गई है हमारी, तो अब जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ और कुछ जाके खाएंगे। पायल डरना नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ना बोतल का, ये बहुत ही मज़ेदार पैटर्न है। पहले खोल के दिखाओ ढक्कन, ये देखो ये ढक्कन इसके ऊपर है, जो ये कप है एक तरह से, जिसमें आप पानी पी सकते हो, तो मज़ेदार है काफ़ी। और इसका जो लेवल था वो मैंने हटा दिया।
तो हमारी बोर्डिंग हो गई है, चलिए पायल आ जा। तो वहाँ पे बोर्डिंग शुरू हो गई है, तो आ जाओ। तो अभी हमारी बोर्डिंग हो गई है, फ्लाइट में जाके आराम करेंगे, कुछ खाएंगे, क्योंकि हमने जब टिकट बुक की थी खाने का जो था हमने बुक कर दिया था पहले। तो बहुत ही मज़ेदार सीट ली है हमने, पूरा कैबिन है एक तरह से, पैर पूरे फैला के सोएंगे। वेलकम टू चंडीगढ़। तो हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और बाहर खड़े हैं गोलू, चीकू और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वेलकम करने आए हैं। तो देखते हैं क्या होता है बाहर। तो भैया ये है चंडीगढ़ का एयरपोर्ट और भैया बहुत थक गए हैं हम, हमारी शक्लें देख लो आप एक बार कैसी हो गई हैं। तो पायल ने यहाँ पे कर लिया चाय की दुकान, अगर किसी को चाय पीनी हो तो आ सकता है। बेटा कितने रुपए की चाय? 50 रुपए की। बस इतनी सस्ती? ठीक है फिर कल आएंगे। आप पैसे नहीं है, कैश नहीं है? कोई बात नहीं, पेटीएम कर दो। पेटीएम नहीं है मैडम। गूगल पे भी नहीं है। फोन पे? आज नहीं पीऊँ, कल पीऊँगा मैं। नहीं मैडम रहने दो, बाय मैडम। तो फाइनली हमारा लगेज आ गया है और धीरज के जो कपड़े रह गए थे, धीरज अभी गया हो वहाँ पे, देखते कितनी देर में आएंगे। क्या अभी तक मिले नहीं, उसे फोन आया था। गोलू वेट करिए बाहर। तो दिल्ली का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू गोवा। तो ये हमारे भाई साहब है यहीं के हैं, तो मिलते हैं। ठीक है भाई जी, बाय बाय। तो पायल बोल रही है ठंड लग रही है, तो मैंने पायल को बोला ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करेगी ना उतनी लगेगी, तो इसलिए महसूस मत कर चल। तो पायल गोलू को फ़ोन कर रही है और उनको पता नहीं हम कहाँ हैं, हम यहाँ पे हैं, वो बहुत पीछे है। अरे चीकू आ गया भैया, चीकू चलो चलो चलो। गोलू आ गई। अरे गोलू मैडम नमस्ते, ठीक है बेटा? आने में कोई दिक्कत तो नहीं? चलो फिर चलो। मजा आ रहा चीकू? बेटा वो ढीला हो जाएगा ना, थोड़ी देर में हो जाएगा सही, ठीक है? और मजा आया चीकू? अच्छा लगा? आवाज कम करियो। चीकू ये बता पहले दिल लग गया मम्मी के बिना? झूठ मत बोल, पूरी मस्ती करी है तूने। इधर के लिए गोलू के लिए लेके आए हैं, एक वीडियो भी बनानी है मुझे ना घर जाके। चलो घर जाके मिलते हैं सबसे। स्कूल गया था आज? नहीं आज नहीं गया। तो आजकल तो फुल धमाल मचा रहा है, मतलब तेरे को फुल मजे आ रहे थे ना, तो दिल कर रहा है छुट्टी करने। चीकू आज स्कूल क्यों नहीं गया बेटा? मजा नहीं आता, कल से जाएगा स्कूल, मम्मी आ गई ना। मैडम ने बोला था एक भी छुट्टी नहीं करनी, दो छुट्टी हो गई जी। इससे अच्छा तुम्हें साथ चलता गोवा, वहीं घूमता। तूने वो देखा था जो मैं स्कूटर पे घुमा रहा था? हाँ, हमने रात को सब देखा ना। स्कूटर वाला सीन देखा था तूने? हाँ, और मम्मी जब बोट से आ रहे थे, मम्मी गिर गई थी ना। चीकू मेरा दिल नहीं लगा तेरे बिना यार। मारते थोड़ी किसी को, रक्षा के लिए होते। अरे चीकू, जो मैं अंडर वाटर गई थी, मछली मेरे पास घूम रही थी, ऐसे करोगे आप? गोलू माँ पूछो करेगी? गोलू माँ से पूछो। हाँ मैं भी करूँ। नहीं मामा, नहीं मामा, आपको आपको डर लगेगा। चीकू को भी पता है। चीकू आप नहीं डरते ना बिल्कुल भी? पूरा अंडर वाटर बिना सिलेंडर में अंदर घूम सकता हूँ। नहीं हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है तेरे ऊपर। तूने ये कैप क्यों पहनी हुई है? ठंड है क्या बाहर? किसने बताया कि उसका नाम झुंडेरे था? तो गाइस हम पहुंच गए हैं हमारी सोसाइटी में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। तो नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। तो पहुंचते हैं ऊपर।